एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये बात भी बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला सा आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन मिलेगा। भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा, भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बनाया कर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो ये भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो जितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना करके रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार भी गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चल करके देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रभु से प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए थे, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, माफ़ करना, आप बहुत
सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। फिर भी मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरु जी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आ कर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरु जी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरु जी ने बोला कि पागल हो क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा और गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे हो जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरु जी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरु जी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरु जी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरु जी से कह दी, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरु जी की आँखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरु जी को दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है, जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।